Assalamualaikum. Hi, I'm dermatologist Dr. Hafiz Ahmed Haroon. I practice in DHA Phase 2 Lahore. आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्कशन का, उसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं. एलोपेशिया एरियाटा को अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो बाल झड़ या बाल चर भी कहा जाता है उसको. अब इसमें होता क्या है कि जो सर के बाल हैं उधर से पैची हेयर लॉस होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा वहाँ से पैचेस की शक्ल में बाल उतरना शुरू हो जाते हैं. और जाहिर बात है पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि अगर तो किसी एक जगह से बाल उतर रहे हैं जिस समय पैचेस की शक्ल में बता रहा हूँ, तो वो अजीब सी लुक आती है. जिस तरह बहुत सारे लोग अगर गंजे होना शुरू होते हैं तो वो तो पूरे सर के बाल उतर रहे हैं तो वो ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन ये एलोपेशिया एरियाटा काफ़ी वरीसम होता है पेशेंट के लिए. अब अगर हम एलोपेशिया एरियाटा की मज़ीद डिटेल में चले जाएँ कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स में मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर इसकी मैनेजमेंट की तरफ हम जाएंगे. अच्छा, अब एलोपेशिया एरियाटा अगर तो स्कैल्प पे आया है, सर पे आया है, तो वहाँ पे उसको हम एलोपेशिया एरियाटा कहेंगे. अगर ये बैक ऑफ स्कैल्प को इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पे ये एक स्नेक की तरह की फॉर्म ले लेता है, मतलब अगर एक पैच बना है उसी से आगे कंटिन्यू होके और पैचेस अटैच होते जाते हैं, तो उसको हम ओफियसिस टाइप ऑफ एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं. अब इसमें अगर हम थर्ड एलोपेशिया के टाइप की बात कर लें, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को बियर्ड में आता है, इसको एलोपेशिया बारबी कहते हैं. अब इससे नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करें, जिस तरह हम पहले स्कैल्प की बात कर रहे थे सर की, तो एलोपेशिया एरियाटा अगर तो पूरे स्कैल्प को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको एलोपेशिया टोटेलिस कहा जाता है, कि स्कैल्प पे कोई एक बाल भी नहीं बचा हो और सारा जो है ना बाल ख़त्म हो गए. और इससे नेक्स्ट जो फॉर्म है एलोपेशिया एरियाटा की, अगर तो एलोपेशिया ने पूरी बॉडी को कवर कर लिया है और सारी बॉडी के इवन आईब्रोज आईलैशेस हर जगह के बाल ख़त्म हो गए हैं, तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहा जाता है. तो ये कुछ मैंने आप लोगों को टाइप्स बता दी हैं ताकि आइडिया हो जाए कि एलोपेशिया की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं. अब बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, जी ये होता क्यों है. एलोपेशिया जो है ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में आता है. ऑटो इम्यून डिज़ीज़ को अगर आम अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफियत है, वो बॉडी के ही अगेंस्ट काम शुरू कर देती है और उसके बालों पे वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं. इसी तरह एलोपेशिया एरियाटा की तरह बहुत सारी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा फ़िलहाल. तो इसकी अब हम बात कर लेते हैं कि मैनेज कैसे करना है. अच्छा, एलोपेशिया एरियाटा की मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि इसका रिलेशन किसी और ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ तो नहीं है. जैसा कि एलोपेशिया एरियाटा कई दफ़ा देखा गया है, या कई स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारी रिसर्चेज भी हैं, कि पेशेंट्स जिनमें थायरॉयड ग्लैंड का इशू होता है उनमें एलोपेशिया एरियाटा डिवेलप हो जाता है. तो हम लोग कुछ और बेसिक टेस्ट भी करवा लेते हैं और थायरॉयड के टेस्ट भी करवा लेते हैं. अगर तो थायरॉयड का इशू निकल आए तो हम थायरॉयड को ट्रीट करते हैं, तो प्राइमरी इशू थायरॉयड वाला ट्रीट हो जाएगा, तो ये एलोपेशिया एरियाटा ऑटोमेटिकली विद टाइम इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है. अगर कोई अंडरलाइन कॉज नहीं मिली तो फिर एलोपेशिया एरियाटा के लिए ये किया जाता है कि हम कुछ ओरल मेडिकेशंस देते हैं, जैसे जिंक देते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, बायोटिन दे देते हैं, कॉपर देते हैं, और भी कुछ मल्टीविटामिंस हैं जो हम इसके लिए देते हैं ओरल फॉर्म में. और टॉपिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे पास टॉपिकल प्रेपरेशंस हैं, जिस तरह मिनोक्सिडिल आता है और काफ़ी सारे सीरम्स आते हैं जो कि हम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए एलोपेशिया एरियाटा में देते हैं. अब इसमें जो एक मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जिस तरह होता है ना, घरों में टोटके कर रहे हैं या किसी के कहने पर कोई एसिड फॉर्म की कोई चीज़ लगा ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि अगर कोई एसिडिक या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल लग जाए तो जहाँ पे एलोपेशिया एरियाटा हुआ हुआ है वहाँ की स्किन डैमेज हो जाएगी और स्किन में स्कार बन जाएगा. अगर ये एलोपेशिया एरियाटा स्कारिंग एलोपेशिया में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पे बाल फिर आते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह आम अगर किसी को कोई ज़ख्म हुआ है, ज़ख्म के बाद वहाँ पे उसका निशान बन गया है जिसको स्कार कहेंगे, तो स्कार वाली जगह से बाल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बालों की रूट्स भी वहाँ पे डैमेज हो जाती हैं, तो फिर बाल नहीं आते. तो इसीलिए कोई ऐसी उल्टी चीज़ नहीं लगानी जिससे बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए. तो मैंने आपको ओरल भी और टॉपिकल भी कुछ इसकी बताई हैं मैनेजमेंट्स.
अब अगर ओरल और टॉपिकल कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए इंट्रालीजनल इंजेक्शंस लगाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हम उस एरिया में इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे ये पैचेस ऑफ हेयर लॉस बने होते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और अगर इसके अलावा इससे भी काम ना चल रहा हो तो फिर हमारे पास कुछ इम्यून मॉड्यूलेटेड ड्रग्स होती हैं, वो हम इसके लिए दे सकते हैं, जो कि ओवरऑल इसको कवर करने में हेल्प करना शुरू कर देती हैं। तो ये मैंने आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल बता दी है एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, उसकी कॉजेज के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में। फर्दर इसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Download our app now to avail digital healthcare services anywhere at any time.